क्योंकि वो आज भी पहले अगर ऐसा कुछ है फ्लू वगैरह तो वो टेस्ट करते हैं एंड देन उसके बाद फिर वो दवाई देते हैं। क्या है, क्या करना है इसको? इसको आप स्वाब को अपने अपने नाक में डालना है, नाक में डालना है, जैसे अपन करवाते थे ना वैसे ही नाक में डाल के उसको ट्विस्ट करना है दोनों नॉस्ट्रल में। तो सबसे पहले ये खोल के साइड में रख लो, मुझे तो अभी ये खोल, इसके अंदर ही है क्या? हाँ इसके अंदर ही है। पॉजिटिव आएगा तो क्या कलर होगा? वो डबल आ जाता है। हाँ तो ये एक में डालना है और फिर ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक में डालना है नॉस्ट्रल में, फिर उसको ऐसे 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 पांच बार करना है, फिर दूसरे में डालना है, फिर ऐसे 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 पांच बार करना है, फिर इसमें डालना है और हाथ नहीं लगना चाहिए और वो डंडा तोड़ देना है। ये डंडा आप ये देखो यहाँ पे आपका मार्क है, वो तोड़ देना है। चलो गो फॉर इट, यस, ऊपर तक अंदर तक का चीटिंग नहीं करना, नहीं होगा। जैसे वो लोग मैं करूं अंदर तक हाँ और अंदर, अच्छा नहीं है अंदर, ठीक है चलो दूसरा वाला, चलो जल्दी से दूसरा वाला, ऐसे इतनी देर सैंपल नहीं रख सकते। अंदर तक डाला, हो गया, आई लिव इट, ब्रीद ये लो, एक मिनट पहले एक वो वाले हाथ से खोलो, मेरे हाथ से खोल नहीं रहा, डालो हाँ अब वो तोड़ दो, चलो रेडी हमारा, डाल दूं? भाई हो गया शोएब का कोविड टेस्ट एंड अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट रिजल्ट वाज नेगेटिव, इट वाज जस्ट अ फ्लू। और हो गया अगला दिन मॉर्निंग, यहाँ मैं बना रही हूँ रूहान का चीला। व्हाट आर यू स्माइलिंग फॉर? चीला खा लिया आपने? अब ये खा रहे हो, ठीक है, चीला खा लिया, अच्छा था। हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। तो यस, आज मैं थोड़ी सी जल्दी उठ गई, मेरी आज एक गूगल मीट है अभी जस्ट, बल्कि मैं 10-15 मिनट लेट हो गई हूँ इसके पीछे। आपने लेट करा दिया मुझे, पता है तो फिलहाल मैं पी रही हूँ अपनी चाय, चल रही हूँ। वैसे हम सब के बिजी लाइफस्टाइल की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, पोल्यूशन की वजह से हमारी स्किन पे ना हम ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते और उसके नतीजे ये होते हैं डल डिहाइड्रेटेड स्किन। अच्छी स्किन के लिए ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एक बहुत एफिशिएंट एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रोडक्ट यूज करें, जिससे कि हमारी स्किन हो विजिबली ब्राइटर, हाइड्रेटेड रहे, नेचुरली ग्लो भी करे एंड हमारा जो स्किन टोन है वो एकदम इवन भी दिखे। और इसका एक बहुत एक्स विटामिन सी एंड द पावर ऑफ ऑरेंज, यानी कि द बेस्ट ऑफ नेचर जो कि है ऑरेंज एंड द बेस्ट ऑफ साइंस जो कि है नियासिनमाइड एंड विटामिन सी। यूज करने लगेंगे ना तो इससे आपकी स्किन ब्राइटर एंड ग्लोइंग हो जाएगी और फर्क आपको सिर्फ 3 दिन में दिखने लगेगा। देखिए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम लाइट वेट फॉर्मूला से बना हुआ है और बहुत ही जल्द ना ये स्किन में आपके एब्जॉर्ब हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। रूहान फाइनली सो गया है, वो इतना मतलब आई थिंक बच्चों का ऐसा होता होगा ना, बिकॉज ही सॉ मी कि नहीं मैं हूँ, नहीं तो इस टाइम तक वो सो जाता है, पर मैं क्योंकि वहाँ बैठी थी, वहाँ काम करी, तो वो बार बार आके मुझे देख रहा है, मुझे रो के दिखा रहा है कि तू मेरे पास नहीं आ रही है, तो मैंने उनको सब समझाया और मैं बोला हम शाम को फिर से कनेक्ट करते हैं, तो वो भी सो गया है। और अब मैं चली किचन में रूहान का खाना बनाने, पापा का खाना बनाने, आपका खाना बनाने। तो ये बन रही है पापा के लिए तोरी की सब्जी, ये मैं एक मूंग दाल बना रही हूँ छिलके वाली, ये रूहान भी खा लेगा और मैं भी यही खा लूँगी, और रूहान के लिए भी आलू और तोरी की सब्जी अलग से। वाली खाना खा रहा है, देखो दही कैसे खाते हो? दही खुद से कैसे खाते हो? दादू को सलाम कैसे करते? जल्दी से करो, दादू को सलाम करो, मेरे जल्दी से ताली बजाओ, देखो जल्दी से, देखो इधर दादू को सलाम करो, कैसे करते हो?
चले दादू दादू से सलाम कर लो, दादू से सलाम कर लो, वो दादू सलाम करो, चलो सलाम करो दादू। हेड हेड चलो उमा कर दे फिर मॉर्निंग करो, चलो बाय करो बाय करो, सबसे बाय कर लो, टाटा बाय करो बाय बाय करो जल्दी से टाटा करो बाय से। तो रूहान जब रोज़ नीचे आता है तो अम्मी यहाँ पे कबूतरों को दाना डालती हैं और वो अपने सारे बर्ड्स को देखता है और बड़ा हैप्पी होता है, इसलिए यहाँ वो इशारा कर रहा है कि अभी भी डालो। ये देखो इसको अरे बहुत अच्छी बनी। चलो आज आज बहुत दिनों बाद सब साथ थे तो मैंने सोचा आज दाल बाटी बनाते। अच्छा आज ये तो एकदम जब आओ ना तो समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करो क्या खाओ। मम्मी बोल के गई थी ना। अच्छा मम्मी पूछा क्या खाओगे, कुछ नहीं, मम्मी ने कहा कि 3 दिन नॉन वेज ही खाया है। अम्मी तो सिर्फ दाल चावल बोल के गई थी, पर मैंने सोचा कि अगर दाल बनी रही है तो थोड़ी अच्छी सी बना के उसके साथ बाटियां बना देते तो सबको और मजा आएगा। मेरा भी मन कर ही रहा था बुखार में, तो अभी 3-4 दिन हो गया, अब कल परसों से चालक देर तक से वापस पार्टी नहीं, पर हाँ पर वही है ना कि अभी 3-4 दिन खा लिया तो ये मेरी फेवरेट, मैंने कहा इसको और खिला दो इंशाल्लाह कल परसों से फिर से वापस। सनी आते ही बिजी हो गया बेचारा। हाँ, आई रे फिर आ जाए, हम उसको नहीं ले जाऊंगी। हाँ चलो मैं आप लोग खाओ, मैं गरम गरम और बाटी लेके आ रही हूँ, तुम भी खा लो आ जाओ। हाँ बस बैठ रही हूँ मम्मी, लास्ट बाटी लेके आ रही हूँ। तो ये है भोपाल में हम मीठा गुटका खाते थे, गुटका ये वाला गुटका नहीं है जो अगर आप समझे उस चीज को कि वो पान मसाला गुटका है, ये वो नहीं है। तो दिखाओ, तो बेसिकली ये मीठा गुटका कहते हैं भोपाल में, ये गुलकंद है, ये नारियल है, ये टूटी फ्रूटी है, सौंफ पड़ी रहती है इसमें। तो बताओ भोपाल में क्या कहते हैं इसको? हाँ भोपाल में इसको कहते हैं हेमा मालिनी। भोपाल में मीठा गुटका बोलते हैं, मुंबई में बोलते हैं मीठा मावा। अच्छा। जो हमने डाला इंस्टाग्राम पे सबके लिए गुटका नहीं है, तो मैंने कहा ये भोपाल में बोलते हैं, हमने भी वही सुना है। तो भोपाल में इसको मीठा गुटका बोलते हैं। मुझे छोटे में जब भोपाल में था मैं, तो रोज अम्मी को एक लाया करता था, मैंने एक मैं खाया करता था खाना खाने के बाद, कभी पान मीठा पान कभी ये, तो ये है, तो ये वो वाला गुटका नहीं है। बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत 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 ही यम्मी लगा मुझे, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया।